कि प्याज नहीं डालना, वो बाहर में जा रहा था, सॉरी पे मुझे बोल दिया बाहर खाना। पूछता हूँ खाएगा, इतना खून अलग हो गया है तो छोड़ के निकल जाऊंगा। ये खा रहा है, यहाँ पे ये आ चुका है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। अभी बजे हैं दोपहर के 1:30, तो अभी अपन 1:30 बजे रेडी हो चुके हैं और घर से तो कहीं जा नहीं पा रहे ना। अभी हम सोचे थोड़ा मुझे जाना है, कुछ खा लेता हूँ। कुछ खाया सुबह से, भैया 2 समोसे ला, पर समोसे खा, समोसे से पेट नहीं भरा। मैं सोच रहा हूँ जा रहा हूँ पनीर पराठे खाएंगे। तो मैं जाता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा साइड, विजय उधर ही है, देखता अगर विजय बुला लूंगा। उसके बाद थोड़ा सा मैं चला जाऊंगा ड्यू साइड घूमने, क्योंकि ग्राउंड को बहुत दिनों से देखा हो गया, ग्राउंड देखना जरूरी होता है। भले कुछ करो या ना करो, पर थोड़ा सा ग्राउंड देख लो ना, थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो वहां जाएंगे, उसके बाद देखते हैं बाकी, फिर शाम की अलग होती है, क्योंकि बाकी दिन तो दुकान पे रहना पड़ेगा। बाकी टाइम बस 9 बजे टाइम मिलता है, उसके बाद ये जो दोपहर में 12 बजे के बाद बंद करता हूँ उसका टाइम मिलता है। इसी से मैं थोड़ा बहुत शूट करता हूँ, क्योंकि ये डोली रूटीन ना छूटे। अभी अभी जैसे कि ये न्यू ईयर खत्म हो जाएगा, तो मैं 365 डेज का चैलेंज कम्प्लीट भी हो जाएगा। उसके बाद मैं जब तक पापा नहीं आएंगे, तो मतलब कि गैप करके डालूंगा। अगर कहीं बाहर घूमने जाऊंगा तो वही शूट करके डालूंगा, अगर नहीं घूमने जाऊंगा तो मोबाइल शूट करके नहीं डालेंगे। तभी देखते हैं क्या होता है। अगर आप लोग कराना चाहते हो 2K जल्दी भी करा दो, क्योंकि 40 सब्सक्राइबर बचे हैं भाई। समझा करो, 40 सब्सक्राइबर, तुम लोग से 40 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे हैं। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, घर पे कोई भी शूट कर रहा हूँ, पर तुमसे साला 40 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे। जल्दी करा दो यार, प्यार से हो रहा हूँ। चलो फटाक से वापस पहनते हो, निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलो भाई, घर से निकल चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। मेरे पीछे को फोन लाएंगे, वही उसके उसकी लाइब्रेरी है, वहीं पर खड़े होके उसको फोन लाएंगे और पूछेंगे भाई खिला रहा है तो खिला दे, नहीं तो मैं बोलूँगा चल मैं खाने आया, मैं तो खा ही लूँगा, ठीक है। तो चलो पहले चलते हो। और मैंने अभी अजय को फोन लगाया, वो चाचे घर पे होगा, पेपर देने गया होगा। साला मैच खेलने चला गया 1 घंटे पेपर लिख के, देख रहा हूँ कितना तेज हो रहा हो एकदम। साला मैच के चक्कर में कुछ भी कर पा रहा है, और मेरा इस समय सारा तबीयत खराब है, गला और रात सब जाम है भाई। और एना खा रहा, देखता हूँ अकेले जाऊँगा, ब्यू शर्ट घूमगा घूमगा, कोई मैच खेल रहा था मैच खेलूंगा। और हाँ भाई, 3-4 से मेरी गाड़ी खेलने लगा, बहुत ज़्यादा ढीला था, मतलब ढीला था हाँ, तो उसको भी टाइट करा है। लाइब्रेरी आ चुकी है विजय के सामने, फोन लगाते हैं, ठीक है। जो फोन लगा दिया है, विजय आ रहा है नीचे, ठीक है, विजय आए नीचे, उसके बाद चलते हैं। और चलो कैमरा क्वालिटी सही दे रहा है, चलते हैं और देखते हैं पनीर पराठा खाते ही खाएगा वो। मैं तो खाऊंगा, मुझे लगी इसको मैं खाऊंगा, एक ही खाऊंगा, ज़्यादा नहीं खाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा तेल उसी ऑयली कम कर दिया मैं, तो एक ही खाऊंगा बस। विजय आज उसका वेट करके, देख लाइब्रेरी है ये बाजी वाली, तो आ जाए देखते पूछ लेते, ठीक है। वो सामने से आ चुका है, अभी इससे पूछता हूँ खाएगा खिलाएगा। क्या हो गया तेरे को? अच्छा रनिंग हाँ चल रहा हूँ। तो भाई ये आ चुके हैं पंचमुखी पराठा, गाड़ी यहीं से लगा दूँ मैं, ठीक है। चलो फिर अंदर चुके हैं, यहाँ बैठे बस वेट कर रहे हैं खाने का। खाना आ जाए, खाए पिए और इसको भी रखे फालतू वाला, अरे हम भी खाएंगे, ये इसने मुझे बोल दिया बाहर खाना, इसने बंद कर दिया है। नहीं बाहर घर वाला खाना है, पंचमुखी पराठा अपना खाना, ये बस अंदर अंदर का खाएगा, बाहर का नहीं खाएगा। तो बस आ जाए खाते हैं, फिर थोड़ा सा मिल जाऊँगा मैं। ये तो अपना पढ़ने जाकर पढ़ जाएगा, ये पढ़ने जाकर मैं थोड़ा बहुत घूम जाऊँगा भाई। दुकान नहीं चलाऊंगा, खाना बहुत खिलाएगा। चलो पराठा आ चुका है, देखो ये आ चुका है पराठा, दो प्याज, ये क्या छोले है और ये रायता, ठीक है खाते इसको। निकल के आ चुके हैं, नहीं खिला पराठा, क्योंकि भेड़गड़ा पराठे में हमने उनको बोला था कि प्याज नहीं डालना, उनने प्याज ही फेल दिया है पराठे के अंदर, तो लग रही कड़वी, तो हम नहीं खाए, हम छोड़ छाड़ के चले, मतलब खा लेना खुद को, ये बच गया। तभी चलते हैं व्यू सर्च, थोड़ा घूम के आते हैं, उसके बाद घर जाना है। उनसे पराठा वाले पूरा मुँह भाई, पूरा मुँह कड़वा हो गया यार। मैंने उनसे बोला भाई तुमको मैंने पनीर पराठा बोला, तो बोलते मसाला बना रखा था, तो बंदा जो बोल रहा वो तो बनाओ मैं खाना भाई, पंचमुखी पराठे में जो भी इधर का होगा ना नहीं खाना, बहुत घटिया बनाते हैं साला भाई। इससे भी डबल लेगा पनीर का, जिससे 80 का पनीर खरीदता और खुद खा जाता मैं बना के घर पे। एंड हो चुका है डिस्टर्ब, तब डायरेक्ट जा रहे घर, घर जाएंगे, अब दिमाग हो चुका ख़राब, ठीक। अरे घर में जाके बैठूंगा मैं, दिमाग ऐसे चटक गया है, लगा कि उसमें बोला उसको भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, मैं शूट कर लेता हूँ, पर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने बोला क्या करो चुनती है, बोलता भैया मसाला बना के रखा था मैं, मसाला जो बंदा जो बोल रहा है पनीर पराठा, तो उसे पनीर डालो ना, आटा के साथ पनीर डाल के बनाओ, उसमें मसाला बनाने की किसी को ज़रूरत थी। इसीलिए भाई ऐसी जगह आने नहीं चाहिए, मैं इसीलिए ऐसी जगह खाता हूँ जहाँ पहचान की हो, जान की हो, तो वहाँ बंदा सामने वाला पता है भाई क्या खाता है क्या नहीं खाता। इन सालों को बोला पनीर बनाओ, पनीर में पनीर और प्याज मिक्स करके बना दे, पनीर कम लगे, देख रहे हो दिमाग इनका।
चलो कोई ना, होता है, चलते अब घर हम। ओके, और आप लोग मिलते रहें घर पे ही। सर आ चुके हैं और कसम से बता रहा हूँ दिमाग खराब होगा, मैं सोचते भूख लगी जान कुछ खाऊंगा, उसके बाद मैंने पराठा उड़ के एक बार और खाया था, उस बार उसने सही बनाया था। मतलब उसकी दुकान तब ऐसी नहीं थी, तब दुकान ओनली ठेले पे थी, तो मतलब सही बनाया था कि उसने पनीर पराठा हुआ, हाँ पनीर ही बनाया। आज मैंने पनीर पराठा बनाया तो उसने पनीर में प्याज मिक्स कर दिया। मतलब चल क्या रहा भाई, अगर तुमने पनीर पराठा उससे बंदा बोला तुमको पनीर डाल के दो ना, पनीर और आटा करके दो ना भाई, तुम उसमें प्याज क्यों पेल रहे हो। कोई ना छोड़ो, अब चलते ऊपर रेस्ट करेंगे, अब देखते शाम कुछ बना के खा लेंगे, ठीक है ना। चलो रात में निकल चुके हैं, 11 बज रहे हैं, इसको छोड़ते जा रहे हैं हम आसिमा मॉल तक, क्योंकि इसे जाना है नागपुर। अभी कहाँ जा रहा है, नागपुर जाना है, घर कर छिंदवाड़ा जाना है, उसके बाद नागपुर जाएगा। और ठंड से फट रही है, हाथ में ग्लव्स नहीं है, ऐसे आ गया हूँ। ये कार वाला ए साला उसके लिए रीमा जाएगा, तो चलो इसको फटाक छोड़ते हैं और रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, और रिकॉर्डिंग हो रहा है और सोते हैं। और क्या 4 बजे जगना भी है ना इसलिए, और मैंने ये डायरेक्ट दोपहर से ब्लॉग बंद हुआ, डायरेक्ट रात के 11 बजे चालू हो रहा, तो बस यही टाइम मिला था, तो काम बंद किया, काम किया, खाना भी रखा है, उसको यही टाइम मिला, तो ये शूट कर रहे हैं और कहीं गया ही नहीं हूँ। अब देखता हूँ कल का प्लान बनाता हूँ, कहीं ना कहीं देखता हूँ चला जाऊँगा, अगर मन हुआ तो, नहीं हुआ तो फिर देखते हैं वो भी। चलो सस्मिल आसिमा चलते हैं, आगे मिलते हैं। तो भाइयों आसिमा आ चुके हैं, अभी खड़े हैं, इसके बस का देख रहे कब तक आएगी, बस आए उस हिसाब से फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है। बस आए मैं तो इसको छोड़ के निकल जाऊंगा, ये खड़ा रहकर अपनी बस का इंतजार करें, क्योंकि मुझे घर जाकर सोना है और 4 बजे जगना है। हाँ भैया मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, कब से आप कहाँ हो? कहाँ हो आ रहे हैं। चलो भाई कुलदीप को छोड़ के हम निकल चुके हैं, ठीक है, अब यहाँ चलते हैं सीधे घर, वो घर जाकर सोएंगे और आप लोगों से सुबह मिलेंगे। देखो क्योंकि अब मैं घर जाकर शूट नहीं करने वाला, डायरेक्ट सोने वाला हूँ, क्योंकि नींद लग रही है, सुबह 4 बजे जगा रहता हूँ भाई, और फिर दोपहर में जरा सो नहीं पाता हूँ तो नींद लग रही ज़्यादा। और कुलदीप के पास अभी 10 मिनट वाली आएगी, तुम लोग तो रुक मैं जाता हूँ, ठीक है। तो चलो फटाफट चलते घर, और चलते घर पे मिलते हैं कल सुबह डायरेक्ट मॉर्निंग में सो के उठने के बाद। चलो जब वीडियो एडिट करूँगा तभी आप लोगों से मिलूंगा, ठीक है। अभी हो चुकी है गाड़ी पंचर, पता नहीं कील घुसी क्या घुसी है, लग गई रात में ऐसा कैसे। ओ भाई नट घुसा, ये देखो पहले नट निकालने की कोशिश करते हैं और घर ले जाना इस गाड़ी को पहले तो, ठीक है। चलो ये देखो नट निकालते हैं यहाँ से, नट तो निकल नहीं रहा, यहाँ खूना खून अलग हो गया है, और ये नट इतने कितने लगा रहेगा, चलते अब घर पहले, ठीक है। तो भाई फाइनली घर पहुंच चुके, अब सुबह उठ के गाड़ी भरवाने जाना पड़ेगा, नट भी निकल गए क्योंकि भैया मिल गए थे, उनके पास प्लास थे तो नट निकल गया, हाथ थोड़ा सा खोना खान हो गया। कोई ना चल जाता है, इसके साथ ही इस वीडियो करते यहीं पर एंड, और इस वीडियो ज्यादा कुछ था नहीं, रात को जो था वही शूट करके दिखा दिए। अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, तब तक के लिए चलो बाय बाय।